मशीनरी दोस्तों, हम आज ब्लैक माल का सीआर और जीआई का एक नया मशीन लॉन्च किया था जो ठाकुरगंज से दिलीप कुमार जैन साहब आए, उनको हमने ये बताया था। उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि हमको ब्लैक माल का मशीन चाहिए, तो हमने उसी हिसाब से डिज़ाइन करके इनको 32 mm में प्लेट और डायमीटर बढ़ा करके मशीन को बहुत ही बेहतरीन और डबल गियर बॉक्स लगा के दिया हुआ है। जो इनका आज डिलीवरी का उनका टाइम है, तो हम आज डिलीवरी दे रहे हैं उनको। तो दोस्तों, अभी हमारे मशीन में जो भी पट्टी निकल रही है उनको डेमोस्ट्रेशन का हमने दे दिया है सारा कम्प्लीट। अभी एक डिज़ाइन का डेमोस्ट्रेशन बाकी है, जो आपके सामने 4 एक्सेस डिज़ाइन है उसका डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ। ये देखिए, हमारी 4 एक्सेस चेकर प्लेट डिज़ाइन है, इसको चेकर प्लेट डिज़ाइन बोलते हैं। और ये चेकर प्लेट डिज़ाइन बहुत ही मजबूत करती है पट्टी को और बेहतरीन तरीके से चलाती है, ताकि 0.7 0.8 का भी माल चलाओ आप, तो इसमें चेकर प्लेट में आप अच्छी तरह चला पाओगे। इस जो स्टेशन का जो सिखाने का था, मिंडी का सेटिंग और ये सेटिंग, हमने कस्टमर को ऑलरेडी बता दिया है और ऑलरेडी कस्टमर को पीछे से लेकर आगे तक की सब जानकारी हमने मशीन की दे दी है। तो इनका अभी NCB का एक बॉक्स भी लगा दिया है, इमरजेंसी में अगर किसी को शॉर्ट सर्किट लगे तो NCB का बॉक्स दिया है, ताकि कनेक्शन में आपका डीप हो जाए या मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, शॉर्ट सर्किट होता है तो NCB यहीं पे डीप हो जाएगी। और एक रिवर्स फॉरवर्ड का बटन दिया गया है, आइए आगे। और ये अभी आपको एक स्टैंड दिया गया है सामने, ताकि ये स्टैंड इसका इनके आगे ये बना सके। जो कटर रखे थे इसके साथ कटर भी दे रहे हैं हम। और एक स्टैंड यहाँ पे है जो देख सकते हैं आप सामने, जिसमें आइए, जिसमें अपना जो मशीन की रिप चलने वाली है, ये यहाँ से रिप चलेगी मशीन की, और जो भी चीज़ें यहाँ से डालेंगे, ताकि रिप आपकी यहाँ पे डालेंगे, ये इनके रिक्वायरमेंट पे हमने ये एक स्टैंड बनाया है। अभी कलर लगना बाकी है, तो आइए दोस्तों ये आगे दिखाना चाहते हैं। तो अभी हम आपको डेमो देना चाहते हैं दिलीप जी के सामने। देखिए, अभी पट्टी का डेमो दे रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, चेकर प्लेट का पट्टी चल रहा है बिल्कुल। देखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम सीधी सटीक मशीन में चल रही है पट्टी, एकदम डेमोस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी है, कोई तलवार नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से मशीन निकाल रहा है। देखिए पट्टी, देखिए ये पट्टी एकदम बेहतरीन तरीके से इसका डिज़ाइन आया है, आप देख सकते हैं। ठीक है दिलीप जैन जी, आपको आपको मशीन के बारे में जो मैंने समझाया उसके बारे में कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपको ये मशीन चलाने का ट्रेनिंग भांजे साहब को भी दे दिया हमने पूरा कंप्लीट, इसका आगे पीछे ऊपर नीचे का जो भी होगा वो कंप्लीट हमने समझा दिया। अभी हम आपको रिप काट के दिखाते हैं, काटिए यहाँ से। ये 128 की रिप है और बिल्कुल सीधी रिप है, इसके लिए सीधा ऊपर नीचे करने के लिए हमने बिल्कुल इनको सटीक जानकारी दी है। अभी इस रिप को हम साइड में रखते हैं और इससे हम वापस एक रिप निकाल रहे हैं, ताकि देखिए आप देख सकते हैं। अभी हम इसको मिंडी का सेटिंग दिखा रहे हैं, देखिए ये हमारी मशीन की क्वालिटी है। ये अगर इसको पूरा 90 डिग्री करना है तो यहाँ से खोलिए और पीछे पांचवें रोले से खोलिए, ये पूरा 90 हो जाएगा। ये भी 90 इतना ही ज़रूरत पड़ता है। और ये मिंडी आपका खुलेगा नहीं, यहाँ पे 2 mm गैप है, यहाँ पे दिखा हुआ ये मिंडी का शटर आपका खुलेगा नहीं। बेहतरीन तरीके से हमने इसका डिज़ाइन किया है, ये मिंडी का सेंटर नहीं खुलेगा आपका कभी भी, आप खोलना चाहो कैसे भी तो खुलेगा नहीं, नहीं शटर खुलेगा आपका चाहे कितना भी दबा लो इसको। ठीक है, हम आगे जाने दे रहे हैं और थोड़ा बिल्कुल इसका सेटिंग देखिए, सब तरीके से बढ़िया आ जाए, काटिए। और आपका इधर कटर लग जाएगा, कटर मशीन लगेगा, ये पूरा आपका 90 भी हो सकता है, इसका भी सेटिंग हमने सिखा दिया है। यहाँ से आप खोलोगे रिप को तो आपका 90 हो जाएगा, और यहाँ से ये गैप खोलोगे तो 90 आपका पूरा हो जाएगा। इनको हमने पूरा ये गैप के, क्योंकि ये गैप ज़्यादा आता है कभी शटर में तो ये गैप को ज़्यादा टक होता है, इसलिए इसका गैप हमने कम रखा है। देखिए ठीक है, ये पूरा कम्प्लीटली ही मशीन आपका वर्क करेगा। और इसका सब सेटिंग मिंडी का हमने दे रखा, आगे पीछे हमने दिलीप जैन साहब और उनके भांजे को समझा रखा कि कैसे होगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मशीन अभी डिस्पैच के लिए रेडी है। इसका डिकॉइलर दे रहे हैं, कटिंग स्टैंड दे रहे हैं और अच्छी तरीके से चला है। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू।